नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये कोई स्टडी से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ये ना ही इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही सीरियस है। शायद आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आया है नहीं आया है, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन बहुत बार आया है और आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक से सभी को अवगत कराना चाहिए। तो साथियों, क्या टॉपिक है आप देख सकते हैं अभी। इस टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ टीचर्स, जो अध्यापक हैं उनकी स्थिति क्या है, और खासतौर पे वो अध्यापक जो प्राइवेट स्कूलों में कार्य करते हैं। हालांकि मेरा इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है, उन स्कूलों के लिए नहीं है जो अच्छे से टीचर्स को सैलरी देते हैं या जो अच्छे से टीचर्स को रखते हैं, क्योंकि सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली स्कूलों में जो कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि कोई मीडिया वगैरह ये चीजें आपको नहीं दिखाएंगी, लेकिन जो मुझे दर्द लगा टीचर्स का वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। तो साथियों, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अध्यापक को राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है और ये कहना कतई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि एक अध्यापक वो चिराग है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मतलब अपनी मेहनत करके उस मेहनत को दूसरों के साथ बांटता है, शिक्षा देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज के समय में जो अध्यापकों की स्थिति हो गई है, शायद उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि उस अध्यापक की, उस राष्ट्रीय निर्माता की क्या दशा हो गई है? क्या वह अपना गुजारा कर पा रहा है? क्या वह अध्यापक एक अच्छा जीवन जी पा रहा है? मैं बात कर रहा हूं उन प्राइवेट स्कूलों की। हालांकि गवर्नमेंट ने कंपनीज में सभी जगह एक फिक्स अमाउंट, फिक्स वेजेस, फिक्स सैलरी कर रखी है कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी, इवन कंपनीज में जो वर्क करते हैं। लेकिन जो टीचर्स हैं, और आपको बिल्कुल पता होगा साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या आपके बच्चे भी कहीं पे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, उन टीचर्स को 3, 4, 5, 3, 4, 5 इतनी एवरेज में अमाउंट दिया जाता है। और काफी जगह मैंने देखा है कि उन टीचर्स को 2,000 रुपए भी दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2,000, 3,000, 5,000 क्या कोई टीचर अच्छे से उसमें गुजारा कर सकता है? 3, 4, 5 हजार सैलरी, ये कहां का न्याय है उस राष्ट्रीय निर्माता के लिए, जिसे समाज में भी बहुत सम्मान दिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है, उसके लिए 3, 4, 5 हजार रुपए की सैलरी क्या आपको सही लगता है? साथियों, मैं बात कर रहा हूं उन स्कूलों की, जो स्कूल वाले लाखों रुपए कमाते हैं, उन अध्यापकों को लास्ट में 3, 4, 5 हजार रुपए एक भीख की तरह दे देते हैं। ये अध्यापक का सम्मान है या अपमान है? आप गहराई से ये बात सोचकर देखें। एक बोझा उठाने वाला भी 10-15 हजार रुपए कमा लेता है, लेकिन क्या उस राष्ट्रीय निर्माता का ये अपमान है या सम्मान है? आप मुझे जवाब दीजिए। साथियों, ये चीजें मीडिया में नहीं आती, क्योंकि उन अध्यापकों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। सारी ऊपर से नीचे तक मिली हुई चीजें होती हैं। और होता है क्या है, एक बात और देखिए आप, उस 3-4 हजार रुपए मिलने वाले टीचर के साथ बहुत जगह क्या होता है, 20 हजार पे, 15 हजार पे, 10 हजार पे साइन करा लिए जाते हैं और लास्ट में उनको 3-4 हजार रुपए दे दिए जाते हैं। तो ये क्या न्याय है? मैं उन साथियों से भी, उन अध्यापकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपसे 10-12-15 हजार पर साइन करवा के 5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं आपको, तो आपके बचे हुए 8-10 हजार रुपए कोई दूसरा खा रहा है। आप शिक्षित होकर भी उस अन्याय को सह रहे हैं,
लेकिन आपको ये नहीं सहना है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप शिक्षित होकर भी अन्याय सह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। क्या गवर्नमेंट को ये चीजें नहीं दिखती? मैं अपने देश की गवर्नमेंट से भी ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप लोगों को नहीं पता? हालांकि रिकॉर्ड्स में ऊपर जाता है 10,000 रुपए ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन नॉर्मल स्कूल्स में क्या हो रहा है? जो बड़े स्कूल हैं, अच्छी बात है, ये सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में टीचर्स में कितना अंतर है। गवर्नमेंट स्कूलों में शायद एक टीचर को इतना काम नहीं करना पड़ता जितना एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को करना पड़ता है। अनलिमिटेड वर्क किया जाता है, लेकिन जब बात आती है सैलरी की तो उन्हें एक छोटा सा अमाउंट देकर उन्हें भेज दिया जाता है। क्या कोई टीचर, कोई बंदा 4-5 हज़ार रुपए में अपना गुजारा कर सकता है? हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सुधरे, लेकिन जो एजुकेशन दे रहे हैं उनके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन अध्यापकों के लिए कम से कम 10-12 हज़ार रुपए मिलना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। या तो आप उन स्कूल्स को परमिशन ना दें, जो स्कूल चल रहे हैं जो 2-2 हज़ार रुपए में टीचर रख रहे हैं वो क्या एजुकेशन देंगे और क्या वो टीचर्स पढ़ा पाएंगे वहां पे? जो वो खुश ही नहीं होंगे 2-2 हज़ार रुपए में, 5-5 हज़ार रुपए में जो पढ़ा रहे हैं वो क्या एजुकेशन देंगे? क्या वो अंदर से खुश हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तो साथियों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप बहुत सारी फनी वीडियोज हैं उन्हें आप शेयर करते होंगे, लेकिन इसे आप जरूर शेयर करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10-12 हज़ार रुपए एक टीचर के लिए फिक्स होना चाहिए, उनके लिए पीएफ होना चाहिए और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, और जो कार्य घंटे हैं उनके लिए कि इतने घंटे आपको कार्य करना है वो सारी चीजें भी फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि अनलिमिटेड वो कार्य करते रहेंगे। तो प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है मैंने आपको बताया। साथियों, वीडियो अच्छी लगे, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्हें बहुत गलत लगेगा, लेकिन साथियों अगर आप दिल का दर्द समझ रहे होंगे टीचर्स का तो आप जरूर बताएं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। उम्मीद है कि आप ये वीडियो बिल्कुल शेयर करेंगे। सो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे थे आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। सो थैंक यू।